हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग में एक टॉपिक होता है जो कि 5 मार्क्स का ही पूछा आता है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो इन्हीं तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ये होता है ग्रुप नंबर में आपको कोडिंग दिया होता है और कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं जिसके बाद आप सही जवाब निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अब जैसे क्वेश्चन का नेचर इस तरीके का होता है कि आपको ग्रुप में कुछ नंबर्स दिए हैं, जैसे ये दिया हुआ है 517, फिर दिया 325, 639, 841 और 792। अब इसके बाद में आपकी कंडीशन स्टार्ट होती है। पहली कंडीशन ये कहती है व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम द टॉप व्हेन दे आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर आफ्टर रिवर्सिंग द पोजिशन ऑफ डिजिट विद इन ईच नंबर। तो सबसे पहले हमें ये रिवर्सिंग वाला पॉइंट पढ़ना है, रिवर्सिंग द पोजिशन ऑफ डिजिट्स विद इन ईच नंबर। जितने भी ये दिए हैं तो इन सब में नंबर्स को हमें रिवर्स कर देना है। ओके, अब नंबर रिवर्स करना है तो इसमें कैसे हमें करना होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ये लिखा है 517, तो इसका रिवर्स नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा 715। ठीक है, इस फॉर्मेट में नंबर को आपको रिवर्स करना है, मिडिल आपका एज इट इज रहेगा। तो पहले तो आप रिवर्स डिजिट इसकी निकाल लो, तो 517 की क्या आ जाएगी, 715। इसके बाद है 325, तो ये हो जाएगा 523। 639 है तो ये हो जाएगा 936, और अगर 841 को करोगे तो यह आ जाएगा 148, और 792 को अगर रिवर्स करोगे तो यह आ जाएगा 297। ओके, अब रिवर्स कर लिया, इसके पहले लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर आफ्टर रिवर्सिंग, तो मैंने तो यहाँ पर रिवर्स कर लिया, अब मुझे इसका डिसेंडिंग ऑर्डर करना होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो पहले आएगा, तो 936 जो है ये ऊपर आ जाएगा 936। इसके बाद में इससे छोटा नंबर क्या है, 715 आ जाएगा। उसके बाद जो है छोटा नंबर क्या है, 523 है, वो आ जाएगा यहाँ पर। फिर आपका क्या है, 297 है, और उसके बाद है आपका 148 यहाँ पर। ओके, अब एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना कि आपने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर आफ्टर रिवर्सिंग, फिर ये कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से फर्स्ट, टॉप से सेकेंड और टॉप से थर्ड, तो ये हो गया टॉप से थर्ड नंबर। नंबर क्या है, 523। अब इसमें कह रहा है थर्ड नंबर फ्रॉम द टॉप, और निकालना क्या है, लास्ट डिजिट जो है वो क्या होगी। तो देखो लास्ट डिजिट तो हो गई 3, तो राइट आंसर आपका क्या आ गया, ये था। तो हमने हर एक पॉइंट को यहाँ पर आराम से समझाया ताकि हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए। एग्जाम में बिल्कुल गलती मत करना, जो भी लैंग्वेज लिखी है उसको ब्रेक कर लेना, उसके बाद इसको सॉल्व करना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें थोड़ा सा माइंड अपना यूज करो। इसमें कहा गया है व्हाट विल बी द मिडिल डिजिट ऑफ द सेकेंड लोएस्ट नंबर आफ्टर द पोजिशन ऑफ ओनली द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट विद इन ईच नंबर आर इंटरचेंज। मतलब सबसे पहले लास्ट वाली लाइन पढ़ लो, इसमें लिखा है फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट जो है केवल इसको इंटरचेंज करना है, मतलब 5 को 1 के साथ। तो देखो 517 को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 5 7। इसी तरह से ये लिखा है 325, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें केवल फर्स्ट और सेकेंड को रिप्लेस करना है, तो 235 ये आ जाएगा आपका। फिर क्या आ जाएगा, 6 3 के साथ रिप्लेस होगा, तो 3 6 9, और 4 जो है 8 के साथ रिप्लेस होगा, तो 4 और 8 और 1। इसके बाद में 9 जो है वो 7 के साथ रिप्लेस हो जाएगा, 2 एज इट इज रहेगा, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखना, इसमें कहा गया है, आपने ये लास्ट वाली लाइन रीड कर ली, फिर कहा गया है व्हाट विल बी द मिडिल डिजिट ऑफ सेकेंड लोएस्ट नंबर। अब इसमें आप सबसे पहले लोएस्ट नंबर देखो, क्या लोएस्ट नंबर क्या आपका 157 है। इसके बाद सेकेंड लोएस्ट नंबर आपका यहाँ पर ये कौन सा आएगा, सेकेंड लोएस्ट नंबर आपका आएगा 235, तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड लोएस्ट नंबर। ओके, अब सेकेंड लोएस्ट नंबर 235 था, तो इसमें मुझे कौन सी डिजिट निकालनी है, मिडिल, मिडिल नंबर 235 में क्या आएगा, ये आएगा 3, तो राइट आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन जो है एज इट इज है, आपको अपने आपसे सॉल्व करना है और कमेंट में रिप्लाई करना है कि इसका सही जवाब क्या निकल कर आएगा। इसमें लिखा है व्हाट विल बी द फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट नंबर आफ्टर द पोजिशन ऑफ ओनली द सेकेंड एंड थर्ड डिजिट। इस बार मुझे सेकेंड और थर्ड डिजिट को रिप्लेस आपस में इंटरचेंज करना है। तो देखो 517 को क्या लिखेंगे, 571। इसके बाद ये जो है इसमें अब 2 और 5 को रिप्लेस करना है, तो ये कितना आएगा, 352। इसके बाद देखो 9 और 3 को आपस में इंटरचेंज करना है, 6 9 3।
एक और चार को करोगे तो 8 आ जाएगा, एक आ जाएगा, चार आ जाएगा, 814। अब इसमें 2 और 9 रिप्लेस हो जाएंगे तो 729, ये हो गया। अब ये वाली कंडीशन लगा दो, जो आपका हाईएस्ट नंबर आए, और वो कौन सा हाईएस्ट होगा, सेकेंड हाईएस्ट नंबर जो भी निकल कर आएगा, 3 डिजिट का नंबर, उसमें क्या पूछ रहा है, फर्स्ट डिजिट पूछ रहा है, फर्स्ट डिजिट मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या निकल कर यहाँ पर आ रहा है। ओके चलो, फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है, ध्यान से इसको देखना, इसमें अलग पैटर्न दिया है। इसमें लिखा है कि लाइन से ये नंबर्स लिखे हुए हैं और इन नंबर को स्टडी करके आपको बताना है हाउ मेनी 7 आर प्रेसिडेड बाय 9 एंड फॉलोड बाय 6। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि ऐसे 7 कितने हैं जिनसे पहले तो 9 आएगा, उनके बाद जो है वो 6 आएगा, ठीक है, फॉलोड बाय 6, ये हो गया फॉलोड बाय 6, प्रेसिडेड बाय 9। तो जहां पर आपको 9, 7, 6 का पेयर मिल जाए तो आपका काम यहां पर सॉल्व हो जाएगा। अब आप ये देखो 7 है, ठीक है, 7 से यहां वाले, 7 से पहले 9 दिया है और फिर 6 है, एक पेयर आपका केवल ये, जो व्हाइट कलर थोड़ा कम दिख रहा होगा, ठीक है, कोशिश करना देखने की दोस्तों, 9, 7, 6 आपको एक पेयर ये मिल गया, तो एक पेयर मुझे 9, 7, 6 का मिल गया, मैंने एक पेयर यहाँ पर नोट कर लिया। देखो क्या और कहीं पर आपको पेयर मिलेगा, ये 9, 7, 2 तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, 9, 7, 6 का आपको एक पेयर और ये मिल गया। ध्यान से देखना, मैं यहाँ से लिंक ले जा रहा हूँ 9, 7, 6, तो ये आपको एक पेयर और यहाँ पर मिल गया, तो पेयर कितने मिल गए आपको, 2 पेयर निकल कर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कितने ऐसे पेयर होंगे जो होंगे 2, जिसमें ये फॉर्मेट मिलेगा 9, 7, 6। ओके एक और क्वेश्चन है नंबर 5, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है। इसमें कहा गया है विच फिगर हैव इक्वल फ्रिक्वेंसी, ऐसे कितने यहाँ पर जो फिगर हैं जिनकी इक्वल फ्रिक्वेंसी है। इक्वल फ्रिक्वेंसी का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे डिजिट्स हैं, 7, 8, 9, 7, 6, 5, 3, 4, 2, 8, 9, 7, 2, 4, तो आपको ये पहले पता करना है कि कितने बार कौन सा नंबर जो है ये आया हुआ है। तो यहाँ पर मैं ग्रुप में लिख ले रहा हूँ, उनको चार चार के ग्रुप में लिख ले रहा हूँ, 7, 8, 9, 7, इसके बाद में 6, 5, 3, 4, फिर आपका 2, 8, 9, 7 और इसके बाद में ये वाला है पेयर 2, 4, 5, 9, 2, 4, 5, 9, फिर कितना है 2, 9, 7, 6 और लास्ट में है 47। अब आसानी से हम काउंट करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2 जो है वो कितने बार यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 2 अकर्स हाउ मेनी टाइम्स। देखो इसमें एक भी बार 2 नहीं है, एक बार यहाँ पर आया और एक बार यहाँ पर आया, एक बार यहाँ पर आया, बाकी कहीं नहीं आया, तो 2 अकर्स 3 टाइम्स, ठीक है। अब इसके बाद देखो 3 जो है वो कितने बार आ रहा है, 7, 8, 9, 7, एक बार यहाँ पर है केवल, यहाँ पर भी नहीं, इस ग्रुप में नहीं है, किसी ग्रुप में नहीं है, तो केवल हम लिखेंगे वंस, केवल एक बार ये आया है, ठीक है, ये कितने बार आया है, 1 टाइम्स। अब इसके बाद आप ये देखो 4 जो है वो कितने बार आ रहा है आपका, 4 एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है, 2 बार हुआ, एक बार यहाँ पर है, 3 बार, तो 4 अकर्स कितने बार, ये हो गया आपका 3 टाइम्स। अब आप ये देखो 5 जो है वो कितने बार आ रहा है, 7, 8, 9, 7, एक बार 5 ये है यहाँ पर, इसके बाद अगर आप देखते हो 5 एक बार यहाँ पर है, ओके, बाकी कहीं नहीं है, तो 5 जो है वो कितने बार आ रहा है, वो आ रहा है आपका 2 बार, 2 टाइम्स। अब आपको 6 देखना है, वो कितने बार यहाँ पर आ रहा है, तो देखो 7, 8, 9, 7, 6 एक बार यहाँ पर है और यहाँ पर देखो एक बार यहाँ पर है, तो 6 जो है वो भी कितने बार आया, वो भी आया आपका 2 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद अब आप 7 देखोगे कितने बार आया, 7 एक बार यहाँ पर आया, एक बार यहाँ पर, 2 बार हो गया, एक बार यहाँ पर 3 बार, एक बार यहाँ पर 4 बार, ठीक है, और एक बार लास्ट में आया 5 बार, तो 7 कितने बार आया, ये आया आपका 5 टाइम्स, ओके। इसके बाद अगर आप 8 देखते हो, 8 एक बार यहाँ पर है और एक बार 8 यहाँ पर है, बाकी कहीं पर नहीं है, तो 8 आ गया आपका 2 टाइम्स। ये चीज़ आपको काउंट मैनुअली करनी पड़ेगी, इसमें आपका टाइम थोड़ा सा लगेगा। 9 देखोगे, एक बार 9 यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, 2, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो ये हो गया 4 टाइम्स, बाकी इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसकी इक्वल फ्रिक्वेंसी है। इक्वल फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इक्वल टाइम्स आए हुए हैं। देखो 2 टाइम्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 और 6 जो हैं ये 2-2 बार आए हैं, इसके बाद 8 जो है ये भी 2 बार आए, इसके अलावा बाकी सब 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, 3 टाइम्स,
फाइव टाइम्स और ये फोर टाइम्स, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फिगर है जिसकी इक्वल फ्रिक्वेंसी है। तो इक्वल फ्रिक्वेंसी की मैं बात करूँ तो पाँच आपके लिए ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। अब ऑप्शंस अगर आपको तीन के ग्रुप में दिए हुए हैं, जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ कि ऑप्शन जो है वो किस ग्रुप में दिए हैं, तो जैसे अगर आपको ऑप्शन दिया है 3, 5, 2, फिर दिया है 4, 2, 8, फिर आपको दिया है 6, 5, 8, फिर दिया है आपको 3, और उसके बाद में दिया है 4, फिर दिया है 1। तो इसमें आप ये देखोगे 5, 6, 8, अब ये देखो 6, 5, 8, ये जो है इनकी फ्रिक्वेंसी जो है इक्वल आई हुई है। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन और आएगा कि 2 और 4 जो हैं वो भी तीन तीन बार आए हैं, लेकिन क्या यहाँ पर कोई और भी ऐसा एलिमेंट है जो कि तीन बार आया है जिसका ग्रुप यहाँ पर मैच कर जाए? नहीं होगा। तो आपका सही जवाब आपको चूज ऑप्शन से कर लेना होगा, 6, 5, 8 या 5, 6, 8 या 8, 5, 6, किसी भी तरीके से ये तीन नंबर जो है वहाँ पर प्रेजेंट हो तो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एक छोटे छोटे क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, ताकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप ये 5-5 नंबर वाले टॉपिक कर लो, जिससे कि आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और एग्जाम में ये श्योर शॉट पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढें बुक में, और जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लोगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी आपकी इस कंसेप्ट के ऊपर हो जाएगी। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।